इधर चाहो तो लगा लो प्रोडक्ट के लिए, वैल्यू इसको डालो, आपके पास आंसर आ गया। चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 25 है, सब ऐसे ही निकलेगा, आप आराम से निकालना। 24, 25 सबका यही हाल है। 26 हेसेस लॉ है। ओके आगे तो फिर खत्म हो गया। हेसेस लॉ का वीडियो मैं फिर ध्यान नहीं है, चलो चेक करना पड़ेगा, आप लोग याद दिला देना, मैं फिर भूल गया। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इन सवाल हैं यहाँ पे, ठीक है, तो सबका आंसर मिटा दो पहले, ताकि सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लें क्या है, फिर देखेंगे। बताओ पहले का आंसर क्या होगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, याद है भूल गए? सोचो, ये सवाल आ गया एग्जाम में आपके सामने, मार्क्स कट जाएंगे फिर। पढ़ा स्टेट फंक्शन, ध्यान है क्या होता है स्टेट फंक्शन? जो इनिशियल और फाइनल पे केवल डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन। देखिए इसमें एंथैल्पी, सर एंथैल्पी हाँ, फ्री एनर्जी, वर्क, इंटरनल एनर्जी, इसका जो आंसर है, इसका आंसर सी दिया है, इसका आंसर सी दिया है। पहले ऐसी लॉटरी लगती थी, ऐसे करके धीरे धीरे मिटाते थे, और दुकानदार लोग भी ऐसे रखते थे, पैसा लगाइए उसमें से ऐसे मिटा के देखेंगे क्या निकलेगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। अ स्टेट फंक्शन नहीं बताना, नॉट अ स्टेट फंक्शन बताना है, जो स्टेट फंक्शन नहीं है। कितना खतरनाक तरीका है पूछने का, सावधानी हटी दुर्घटना सर, नॉट वाला स्टेटमेंट ठीक से नहीं देखा था। घटी। ये खतर, तभी तो ट्विस्ट में घुमाता है, ये घुमाते घुमाते आगे डायवर्जन, आपको पता नहीं है, सीधे चला जाएगा गड्ढे में। तो एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, इंटरनल, तीनों तो एक ही कैटेगरी में आता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पढ़ा होगा आपने, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, पर ये से सवाल आते रहते हैं। सर मास मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कैसे डिसाइड करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, कैसे? एक्सटेंसिव होता है और क्वांटिटी ऑफ मैटर में डिपेंड करता है, इंटेंसिव तो नहीं करता। हाँ, जैसे टेम्परेचर है, उसको अगर किसी रूम में आधा करेंगे तब भी टेम्परेचर दोनों में उतना ही रहेगा, पर वॉल्यूम आधा हो जाएगा, मास आधा हो जाएगा। देखते हैं इसका क्या जवाब है आपका। इसका जवाब ए है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, इसका जवाब है मास। तीसरा, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, मैंने बताया था एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में, आइसोलेटेड भी बताया, एडियाबेटिक भी बताया है। एडियाबेटिक क्वेश्चंस में यूज होता है, फॉर्मूला में यूज होता है, आइसोलेटेड वाला यूज नहीं होता, वो केवल थ्योरी में यूज होता है। क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या था? एडियाबेटिक क्या था, सोचिए। हीट चेंज क्या था, जीरो था ना उसका, एडियाबेटिक में कहां उसमें हो रहा था, आइसोलेटेड एडियाबेटिक एक जैसा ही है लगभग, हीट का कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं है, लेकिन उसमें मास भी बोलना पड़ता है आइसोलेटेड में। तो तीसरे वाले का सही जवाब क्या हो जाएगा, सर बी देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल सही जवाब है आपका, तीसरे वाले का बी है, नो चेंज इन। हालांकि इसको डेल्टा क्यू लिखना चाहिए था यहाँ पे। खैर एनीवे, हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोरोलरी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेल्पफुल इन कंप्यूटिंग हीट्स ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर इम्पॉसिबल इन प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस। हेसेस लॉ में टुकड़ों टुकड़ों में निकालते हैं, बीच के जो मीडिएटर्स होते हैं उनको भी हम उसमें हिसाब लेके चलते हैं।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो फॉलो करेगा ही करेगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करेगा तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी जाएगा, और जो प्रैक्टिस है तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होना चाहिए फिर। फोर्थ वाले का डी देखिए है ना, ऑल ऑफ दीज होगा क्योंकि सब तो है इसमें सेट कर रहा है। मीडिएटर का बीच का इंटरमीडिएट रिएक्शंस कहाँ निकालते हैं हम लोग, प्रैक्टिस में थोड़ी ना है वो। चलिए पांचवा आपके सामने है, इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड, इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता इंटरनल एनर्जी बताइए, न्यूक्लियर एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, क्या होगा इसका सही जवाब? इंटरनल एनर्जी। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इंटरनल एनर्जी अपने साथ इंक्लूड ही नहीं करता है, कहता ये हमारे पास नहीं है। रोटेशनल तो होगा ही होगा, अंदर है तो वाइब्रेशनल भी होगा। अब आप ए और डी में देख लीजिए, फिफ्टी डी साइड फिफ्टी कर दिया मैंने, देखिए दो विकल्प मैंने हटा दिए, अब दो विकल्प केवल आपके पास बचा, न्यूक्लियर एनर्जी और एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, तो आप कह रहे हैं डी। तो ये कौन सा था, ये सिक्स वाला है, तो फिफ्थ वाला कहाँ है, एक दो तीन, फिफ्थ वाले का आंसर नहीं दिया है, ये थ्री है, ये फोर है, अच्छा फिफ्थ वाले का साइड में दिया है, वही डी ही होगा इसका, ग्रेविटेशनल पुल का नहीं लेता है वो। चलिए सिक्स वाले का पहला ही आंसर तो आउट हो गया, इट इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो मतलब इंटेंसिव है, अब बताइए कौन इंटेंसिव है इसमें, कौन है, सी वाला बोल रहा है टेम्परेचर के बारे में, सही है गलत है ये, सरफेस टेंशन। सर नहीं नहीं सिक्स वाले क्वेश्चन नंबर सिक्स का है, टेम्परेचर ही होगा ना सही जवाब, नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल रहा है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब इंटेंसिव है, यस सर। तो टेम्परेचर हो गया। सेवेंथ वाला और आखिरी है, ये आपको करोड़पति बना देगा, इट इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब एक्सटेंसिव ढूंढ लीजिए, सीधी सी बात है, मास पे डिपेंड करने वाला, तो ये तो इंटरनल एनर्जी है। इसे पहले वाले में ये जो सवाल था इसमें बोला था, सेकंड वाला सवाल में इसमें बोला था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला था, इसमें एक्सटेंसिव कौन है, तो आपने कहा था कि इसका जो मास है ये एक्सटेंसिव है, तो ये इंटेंसिव हो गया है ना, ये इंटेंसिव हो गया, तो उस हिसाब से इसमें हमें एक्सटेंसिव ढूंढना है, तो विस्कोसिटी तो ऐसा ही कट गया क्योंकि ये इंटेंसिव हो गया है ना, और कौन बच गया, मतलब चार में से तो आपका जो है एक कट गया, बाकी बचा तीन, अब इन तीन में ढूंढिए एक्सटेंसिव कौन है बताइए, जो मास पे डिपेंड करता है, सर प्रेशर। इंटरनल एनर्जी, सोचिए एक कमरा है मन में बनाइए, इसको आधा कर देंगे तो आप देखिए कि कौन है जो आधा हो जाएगा, क्या इंटरनल एनर्जी आधा आधा हो जाएगा, अगर होता है तब तो एक्सटेंसिव है फिर, तो मतलब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, इंटरनल एनर्जी किसमें लेंगे हम लोग, इंटरनल एनर्जी को सर इंटरनल एनर्जी भी तो इंटरनल मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है।
इंटेंसिव में आता है। इसका सही जवाब फिर क्या होगा? सर आई थिंक प्रेशर होगा। नहीं, इंटरनल एनर्जी ही होगा क्योंकि एक्सटेंसिव। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल्स देख रहे हो ना, आधा हो जाएगा ना ये। और इंटरनल एनर्जी क्या आपने पढ़ा कि न्यूक्लियर भी है, वाइब्रेशनल भी है, रोटेशनल भी है, इन सब को प्लस कर देते हैं तो मिलता है, इनको प्लस करने पर मिलता है हमें, ये आपने पढ़ा। तो इसीलिए इसका सही जवाब ये होगा। तो सोच समझ कर एमसीक्यू करना पड़ता है, सोच समझ के, नंबर ऐसे नहीं मिलता है। तो ये आपका चैप्टर ओवर हो गया। आगे हम लोग जो बात करेंगे वो आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम की तैयारी करके रखिए ताकि बढ़िया से उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वर्कशीट वगैरह सब कुछ किया जा सके, हम अच्छे से उस पर काम कर सके। और बाकी वीवीआई सेट भी मैं दूंगा, पूरा फिजिकल का मैंने वीवीआई सेट बना रखा है। तो जैसे ही फिजिकल खत्म हो जाएगा मैं वीवीआई सेट लॉन्च कर दूंगा, आपको दे दूंगा आराम से। आप देखिएगा स्पेशल फिजिकल केमिस्ट्री का आपको सेपरेट दूंगा। 7 सेट है, हर सेट में 10 सवाल है, 70 क्वेश्चन है, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आपके मुट्ठी में है, उसी से पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? उसी से पूरा रिवीजन होगा आपका। ठीक है, तो इसका रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर देता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आईनी के लिए वीडियो आप लोग करके रखना।